वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अकम्पलिश आईएएस के 3 मिनट सीरीज़ में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। क्या है और क्यों है आईसीसी न्यूज़ में जानते हैं। आईसीसी हेग में है, हेग दैट इज़ इन नेदरलैंड्स। सो आईसीसी एंड आईसीजे, द वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएन, बोथ आर इन हेग नीदरलैंड्स। हाउएवर आईसीसी का जो मैंडेट है वो ये है कि इट इज़ अ कोर्ट फॉर कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फॉर प्रोसिक्यूशंस ऑफ जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इसको जो केसेस है समटाइम्स यूएन रिफर करती है। रिमेंबर इट इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएन, ठीक है। वो है आपका ICJ जो कि हेग नेदरलैंड्स में ही ICC के साथ सिचुएटेड है। खैर, ICC इज फर्स्ट परमानेंट ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। एंड जैसे कि हमने देखा कि इट इज़ फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ अगेन प्रोसिक्यूशन ऑफ अक्यूज्ड फॉर ग्रीव मतलब यू कैन से दैट वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट क्राइम्स के जो अक्यूज रहते हैं, दोज परपेचुएटर्स आर ट्राइड इन दिस पर्टिकुलर कोर्ट। मूविंग फॉरवर्ड, इसकी फाउंडिंग ट्रीटी, जैसे कि हमने देखा कि इट इज़ फर्स्ट इंटरनेशनल परमानेंट ट्रीटी बेस्ड क्रिमिनल कोर्ट। सो इसकी जो ट्रीटी है वो है रोम स्टैच्यू, सॉरी, इसकी ट्रीटी है रोम स्टैच्यू विच केम इन टू फोर्स इन 2002। इंडिया इज नॉट अ मेंबर, इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। एंड ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज रिसेंटली आईसीसी सेड कि भैया जो अफगानिस्तान में हुआ है और जो वॉर वहाँ पे वॉर क्राइम्स हुए हैं तो उसके जो परपेचुएटर्स हैं उनका ट्रायल होगा आईसीसी में। पोस्ट दिस डिक्लेरेशन यूएस, जिसका एक टर्बुलेंट रिलेशनशिप रहा है आईसीसी के साथ, इट हैज सेड कि भैया जो आईसीसी ऑफिशियल्स है जो कि इन्वेस्टिगेट करेंगे इन पॉसिबल वॉर क्राइम्स बाय यूएस ट्रूप्स, उनके अगेंस्ट सैंक्शंस लग रहे हैं। सो ट्रंप सर बोलते हैं कि सर जो जो आईसीसी ऑफिशियल्स हमारे खिलाफ इन्वेस्टिगेट करेंगे उन सब के अगेंस्ट हम सैंक्शंस लाएंगे। देर इज़ अ रीज़न कि भाई इंडिया क्यों ज्वाइन नहीं करना चाहता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। सी, अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इंडिया ज्वाइन करता है सो द वर्डिक्ट्स दैट हैव बीन पुट फॉरवर्ड बाय आईसीसी इंडिया के लिए बाइंडिंग हो जाएगा। एंड द प्रॉब्लम इज दैट इंडिया सीज की देर इज अ नेक्सस ऑफ कंट्रीज दैट इज ऑपरेटिंग इन द इंटरनेशनल सिनेरियो। ऐसा तो है नहीं कि वेन वन कंट्री इज ट्राइड, फॉर एग्जाम्पल कल पाकिस्तान आईसीसी में अगर उसका ट्रायल होता है सो चाइना वुड नॉट बी रेजिस्टिंग आईसीसी और द कंट्रीज हु वॉन्ट टू बी द पपेट मास्टर ऑफ पाकिस्तान से यूएस या रशिया, है ना। सो दिस पर्टिकुलर नेक्सस दैट कंट्रीज हैज लॉन्ग बीन सब्जेक्टेड बाय इंडिया कि दिस इज डिस्टॉर्टिंग द पिक्चर ऑफ जस्टिस इन इंटरनेशनल सिनेरियो। एंड ड्यू टू दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ अजम्पशन कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, इंडिया इज नॉट विलिंग टू ज्वाइन आईसीसी। खैर, आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स हैव अ लुक एट अ क्वेश्चन, ठीक है। तो पिछले लेक्चर पे बेस्ड हमारा आज का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ ERBD? सऊदी अरेबिया है क्या, या जापान, या चाइना, या रशिया? एंड द आंसर इज एज यू गेस दैट राइट, सऊदी अरेबिया। तो यही था आज के लेक्चर के लिए। आई होप दैट दिस पर्टिकुलर लेक्चर हैज़ हेल्प्ड इन यू
इन योर प्रिपरेशन, एंड अगर इसने किसी भी वे में आप कॉन्ट्रीब्यूट करा हो आपके प्रिपरेशन में, सो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड जॉइन अ टेलीग्राम चैनल अ कंपलिश IAS. थैंक यू.